जो एडवाइस देते हैं उनकी बड़ी मेहरबानी, और जो एडवाइस नहीं देते उनकी भी बड़ी मेहरबानी, और जो बैड कमेंट करते हैं उनकी तो बहुत ही मेहरबानी, क्योंकि उनके बैड कमेंट करने से आपके भाई में और मोटिवेशन पैदा होती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद ब्रांड न्यू वीडियो। तो भैया आज की वीडियो से शुरू, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जैन लाबिदीन की मेहनत। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग उनके व्लॉग्स देख भी रहे होंगे, तो सॉरी यार गला अभी तक ठीक नहीं हुआ मेरा, कोशिश है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और ये माइक से जान छूट जाए मेरी। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, वीडियो करने से पहले मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसे भाई तुझे इतनी बार लोगों ने कहा है कि भाई तू उर्दू ना बोला कर, चार बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले, सर तू उर्दू की निस्त मार देता है, ठीक है तेरे पे वो मसाल कायम होती है। भला कौन सी मसाल कायम होती है, क्या 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 मसाल थी मेरे जहन में आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ गई है। अनारी का गन्ना जूसना और गन्ने का सत्यानाश। तो भाई तू उर्दू ना बोला कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मर्दा की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मतलब कि भाई लाल जैकेट पहन के ही अपने आप को माइकल जैक्सन समझ रहा है भाई। चल भाई चल, शाबाश, आगे चल यार, आगे चल। मेरी मेहंदी और मेहंदी पे बनेगा स्टेज, समझ रहा समझ रहा ना। तो ये कितने साइज का होगा स्टेज, एक साइड पे सोफा लगेगा। मेहंदी पे बनेगा स्टेज, यही स्टेज बनेगा और इसी स्टेज पे तुम मुजरा करोगे। रुको जरा, सबर करो। ऐसी है ना, मुजरा करोगे ना तुम, तुमने करके दिखाना है मुजरा, क्योंकि तुमने जो ये लास्ट दो एक दो शादियों में डांस किया ना, वो भाई वो स्टेज मुजरे से कम नहीं था। घर और छोटे मोटे काम जो है ना वो देखते हैं, और अभी 10:15 हो रहे हैं और मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो मेरी एनर्जी जो है ना वो बहुत लो है। भाई तू जल्दी जल्दी घर जा, और घर जा के भाई कुछ ठूस ले, ठीक है, ये ना हो कि बीमार हो जाए तू और तू 4 दिन अपनी बीमारी पे ही व्लॉग बना दे। तो जल्दी जल्दी घर जा, घर जाके कुछ ठूस। वरना मौसम जो है बहुत ही बारिश वाला हो गया हुआ है, तो अल्लाह पाक खैर करें, बस बारिश ना हो यार। यार वैसे मैंने सही कहा था कि इस पे उर्दू सूट नहीं करती। और भाई तू ना उर्दू बोला कर, बाहर का मौसम बहुत तबस हो गया है, ये ना हो बारिश ना हो जाए। यार कमाल हो गया यार। टेबल्स है ना ये स्टेज के हैं, और चेयर्स भी आ चुकी हैं माशाल्लाह, देखें भाई साहब 40 चेयर्स आएंगी। और अकल के कान, ये पहले तू बता चुके स्टार्ट में ये स्टेज और कुर्सियों के बारे में तू बता चुके, अब कोई आगे नई बात बता जो बंदे को पता चले। तू क्या ये स्टेज कुर्सियां लेके बैठ गए अपने अंदर। टेबल्स है ना, इनको फिलहाल बाहर ही रखेंगे और चेयर्स को उठा के रखेंगे बरामदे में, क्योंकि बारिश वाला मौसम है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तो भाई पता सबको बारिश शुरू हो गई है, मौसम ही ऐसा है, बारिश वाला मौसम है। और भाई साहब बारिश शुरू हो चुकी है और सब मुझे यही कह रहे हैं कि तुमने हांडी में रोटी खाई हुई है भाई साहब। देखा अपने लापरवाही का नतीजा। तो ये किसने कहा था, तुझे किस पागल के बच्चे ने कहा था कि तू कुत्ते की हांडी में मुंह मारे, ये नहीं मारना चाहिए था कुत्ते की हांडी में मुंह। तुझे पता था कि यार तेरी शादी है, अब तो ये लोग आसपास वाले छेड़ेंगे ना, ना छेड़ो यार, ना छेड़ो, ना कहो कोई बात नहीं होने, तो यार होती है गलती, इंसान से हो जाती है। बंदा मारे था कुत्ते की हांडी में मुंह, तो क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, कोई बात नहीं जैन भाई, मैं लोगों को संभाल लूंगा, आप मेहंदी की तैयारी करो, आप शाबाश मेहंदी की तैयारी करो। शादी ना होती ना तो ऐसा मौसम जो है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन शादी है तो सारे अरेंजमेंट करने हैं। नहीं 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 भाई कंट्रोल करो, आप जैन भाई कंट्रोल करो, आपकी शादी है, ऊपर से आप बच्चे नहीं हो, मुझे पता है, मुझे पता है आपकी आदत गई नहीं है, बारिश के अंदर कपड़े उतार के कच्छा पहन के जमीन मिट्टी पे जो है कीसियां लेने वाली आदत आपकी गई नहीं है, और ना ये जानी है मेरी जान। जैन भाई आप ऐसा ना करो, आप थोड़ा सब्र कर लो, शादी होने दो, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आपको आगे बारिश अल्लाह से रिक्वेस्ट करूंगा कि बारिश भेजे, जैन भाई ने किसी ने नहीं है सड़क के ऊपर, मुझे पता है आपकी आदत है, नहीं जाती आदत, ये नहीं जाती आदत यार, नहीं जाती आदत, जितना मर्जी फेम मिल जाए इंसान, जितना मर्जी फेमस हो जाए, मगर वो गंदी आदतें नहीं जाती। नहीं की थी तो अभी उसका कोई शीशा वगैरह डैमेज ना हो जाए। और जल्दी जल्दी गड्डी के अंदर कर लो भाई, वो एना ने 4 दिन ऐसे ही ब्लॉग बना देना है कि जी गाड़ी को डेंट भर गया, गाड़ी को इधर डेंट भर गया, ये ओला इधर गिर गया, ये ओला इधर गिर गया। नीचे देखें, ये घास में आपको सही से नजर आ रहा होगा, राणा साहब कर लो। नहीं देखना नीचे भाई, क्यों देखें नीचे हम लोग, क्या है नीचे, नीचे कुछ भी नहीं है। तू पता नहीं मेरे ख्याल में पेंडुआ पहली बार देखी है बर्फ, नीचे देखो ऊपर से गाड़ी जल्दी जल्दी अंदर करा, ये तेरे आगे ड्रामे नहीं फिर हमने देखने की जी गाड़ी गड्डी नु आया हो गया तो गड्डी नु आया कोई है, जल्दी जल्दी गड्डी अंदर करा बस तू। इतनी खतरनाक आवाज है ना कि क्या बताऊं, मुझे इतना ऊंचा बोलना पड़ रहा है ना, मेरी इतनी गंदी आवाज है ना, मतलब जैन कह रहा है यार, जैन कह रहा है, मैं सही कह रहा हूँ, जैन कह रहा है जी मेरी इतनी गंदी आवाज है ना कि मेरा दिल नहीं कह रहा कि मैं व्लॉग बनाऊं, दिल कह रहा है कि मैं कपड़े शपड़े पार के ना बस बारिश में ना कीसियां लेना शुरू कर दूं जमीन पे, चाहे मुझे चिरीटे आए, चाहे मेरा प्रोग्राम वर जाए।
कुछ भी हो, मैंने भाई कीसियां लेनी लेनी है, मुझे गंदी आदत है ठीक है कीसियां लेने की, तो मैं भाई आदत छोड़ नहीं सकता, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं ये आदत नहीं छोड़ सकता। नहीं 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 मुबशिर भाई नहीं, मैंने कीसियां लेनी है, मेरी आदत है। मतलब भाई क्या क्या कर रहे हैं ये, तुम्हें नहीं पता क्या क्या कर रहे हैं, तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है तुम्हें पता ही नहीं है, और तुम्हारी सुनते होने लगी है, तुम शुक्र करो कि तुम मुसलमान होने लगे हो, तुम्हारी सुनते होने लगी है जिंदगी में फर्स्ट टाइम तुम्हारी सुनते होने लगी है, तुम शुक्र कर दो। ये जो इसका भाई है ना पीछे मुदस्सर भाई, इस बंदे को ना ऐसे बंदे को ना हफीज सेंटर में, लाहौर के हफीज सेंटर में ना बाथरूम साफ करने के लिए रखते हैं और पैसे भी नहीं देते, चल शाबाश निकल भाग जा बाथरूम तो होता है शाबाश निकल। मतलब कि जी बंदर के हाथ में माचिस, अल्लाह के बंदर तुझे किसी ने ये बताया नहीं, और तू पीला रंग पहन ले और तूने इतना ग्रीन रंग पहन लिया जो तेरी शक्ल पे सूट ही नहीं कर रहा, पेनू इंसान पता नहीं कहा है यार तुम लोग, यार करो यार ग्रीन सूट यार कौन पहनता है यार, कौन पहनता है मेहंदी वाले दिन, ओए यार कसम है यार ज़ैनुल आबिदीन खाची मारी है आपने, खच ही मारी है मेरे भाई, मादर के साथ आपने खाची मारी है। इसके दोनों भाइयों की शादी हो गई है और इसको अभी ये पता ही नहीं है कि ये गाना क्यों बांधते हैं, गाना कहाँ बांधते हैं, गाना कैसे बांधते हैं, गाने का मतलब क्या है, और इसको पता ही नहीं है। यार इतना छोटा चूचा नहीं है तू कि तुझे पता नहीं है कि गाने का मकसद क्या होता है, गाने का क्या मकसद होता है, अपने दोनों भाइयों से पूछ जाके जा जा जा। तुम लोग ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ पढ़ के ना लोगों को पागल बनाई जाओ तुम लोग, तुम्हारा तीनों भाइयों का काम यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक है जी, अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज की बोंगी करते हैं हम स्टार्ट, तुम लोगों का काम यही है, बनाई जाओ चुकी जाओ चुकी जाओ। और शुगर कर तेरी मेहंदी हो रही है, और शुगर कर तेरी मेहंदी तेरे हाथ पे लग रही है, तू लाहौर शहर में ना तेरी पिठ में लगे मेहंदी, शायद तेरी हरकतें है ना तुम लोगों की, तुम्हारी पिठों में लगे मेहंदिया वड्डे व्लॉगर भाई, वाह झूठ की भी एक हद होती है, झूठ के भी कई पैर होते हैं ठीक है, तुम लोगों को तो पैर ही नहीं है, तुम लोगों को तो पैर सॉरी यार तुम लोग तो झूठ विदाउट पैर है, मेहंदी इतनी बड़ी मेहंदी सेटअप कर लिया, इतना कुछ कर लिया ते मेहंदी नहीं ले आए, ओ यार जाओ झूठे हो और जाओ झूठे हो, देखो आंटी भी बोल रही है झूठ बोल रही है डूमना। अच्छा इसकी मेहंदी पे आए वाले बंदे भी कह रहे हैं आप अकेले ऊपर चले जाएं ठीक है, तेरा कोई पता नहीं कि कदों तू बो मार दे, ते भैया सी नहीं जाना स्टेज ते, ओए यार ज़ैन एना तो बदनाम है, ओए एना तो बदनाम है, नहीं वाकई 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 मैंने तो सुना तो है कि तुम जब स्मेल मारते हो ना तो यकीन करो आधा पिंड जो है बेहोश हो जाता है, पूरा पूरा हफ्ता उठता ही नहीं है, इसलिए मैं कहूँ कि तुम्हारे शहर कानपुर में कोई वर्ता क्यों नहीं है ठीक है, पसरूर से आगे कोई जाता नहीं है कि जी ज़ैनुल आबिदीन रहता है उसने अगर एक बो मार दी तो फना हो जाएगा कानपुर शहर, हम लोग बेहोश हो जाएंगे, इसलिए हमने जाना ही नहीं है। शगना दी मेहंदी ऐसे मेरे हाथ में होगा, सही है आएंगे घर वाले, तो भाई शादी के बाद सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, अब तुम लोगों की आदत पता नहीं क्या है, बांटने वाली है नहीं बांटने वाली, शेयरिंग इज केयरिंग है कि नहीं है, तुम्हें टीचर ने सिखाया है कि नहीं सिखाया, अलबत्ता कोई नहीं ख्याल है पता नहीं तू स्कूल गया कि नहीं गया ठीक है, तो कोई नहीं भाई बांटना नहीं है, कुछ भी नहीं बांटना, आपने नहीं बांटना अपने पास रखना है, नहीं नहीं भाई छोटा नहीं है आप परेशान ना हो, छोटा नहीं है इलाज है ठीक है, हकीम दुआ खाना है ढाका दुआ खाना है ठीक है, इलाज है हर चीज का इलाज है, परेशान नहीं होना आपने, मेरा ड्रेस खराब हो गई, इधर ड्रेस खराब हो गई यार तू, अच्छा आ गया ना अपनी कात पे उर्दू में बोल दे यार मेरा ड्रेस खराब हो गया यार, तेन नहीं सुन कर दी उर्दू, तू पंजाबी च बोलिया कर, मेरा ड्रेस खराब हो गया तो की हो गया, तो आप गया मैं दोबारा पाना नहीं,
ये हो गया होन दे को दीजिए इजाजत। लो जी फ्रोडिया आ गया फ्रोडिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चल 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 निकल 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 भाई निकल 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 भाई वापस 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 अभी नहीं जाना, अभी छोटे की बकवास सुननी है आपने। वापस चलो जी, मेहंदी हो गया जी, कम गया मुख्य, आज का ब्लॉग करने खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई अपने भाई के चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाई अपने भाई को दें इजाजत, टाटा फूट।